यहाँ पे तकरीबन 70-80 की तादाद में गाड़ियाँ हैं, जिसकी जिसमें लोकल टूरिस्ट भी हैं और पंजाब से आए हुए टूरिस्ट भी हैं। हमने काफ़ी कोशिश की 15 को रेस्क्यू 1122 को कॉल करने की और उनसे बात करने की, लेकिन अभी तक कोई मदद फराहम नहीं की गई। और यहाँ पे कुछ टूरिस्ट हैं जिनको हाइट की वजह से सांस का इशू हुआ, उनको हमने अब गाड़ियों में खैर बिठाया हुआ है। ना कोई खुराक का इंतज़ाम है, ना ही कोई सेहत की हवाले से कोई इंतजाम किए गए हैं, और ना ही सिवाय 2-3 पुलिस जवानों के कोई इकदाम हमें नजर आ रहे हैं। हमारी अपील है DC रियामर, कमिश्नर रियामर और जो मुंतजमीन है उनसे कि फिल फॉर कोई मिशन ये ऑपरेट करें और यहाँ पे फंसे मुसाफिरों को अपनी मंजिलों तक पहुँचाएं। शुक्रिया। अभी तक किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं हुआ, मेहरबानी करें, हमारे साथ फैमिलीज हैं तो जल्दी से कोई ना कोई रेस्क्यू भेजें। अभी यहाँ पे बहुत बुरा हाल है, ठंड है, बर्फबारी हो रही है, गाड़ियाँ स्केटिंग कर रही हैं, स्लिप हो रही हैं, मेहरबानी करें जल्दी से जल्दी कोई ना कोई रेस्क्यू का इंतजाम। जी भजन, सेहत के हवाले से आप खाने पीने के हवाले से आपको क्या मुश्किल? सर यहाँ पे खाने के लिए अभी कुछ भी नहीं है, अगर ऊपर गए तो यानी कि एक चाय का कप जो 50 रुपए का वो 100 रुपए का दे रहे हैं, तो मेहरबानी करें जल्द से जल्द करें। अभी गाड़ियों में पेट्रोल भी बस आधी आधी टंकी है, कल तक तो ये चल स्टार्ट भी नहीं रह सकती, तो मेहरबानी करें जल्दी से जल्दी कोई ना कोई रेस्क्यू का इंतजाम। हम DC डियामर से अपील करते हैं कि वो फौरी तौर पर इधर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन करे, जिससे ये टूरिस्ट वगैरह पूरे रेस्क्यू हो। तो एक दो टूरिस्ट की तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी, बहुत सीरियस हाइट शायद उनको लगी थी, तो वो अभी उनको गाड़ी में बैठा है, तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन का इधर कोई बंदा नहीं नजर आ रहा है। पिछले 4 घंटों से हम रब्त कर रहे हैं लेकिन कोई बंदा। हिमालय टाइम्स, इंसानियत की आवाज़।